हेलो एवरीवन, आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में नागरिक शास्त्र विषय का पाठ 3 सरकार क्या है में दिए गए कार्य पत्रक को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। पाठ 3 है यहाँ पर, सरकार क्या है, और यहाँ इकाई 2 दिया है और इसमें दे रखा है कि आपके विद्यालय में व्यवस्था संचालन के लिए एक तंत्र कार्य करता है, जिसमें अलग अलग पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जैसे जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, क्लास इंचार्ज, विद्यालय का मुखिया आदि। इसी प्रकार घर में भी परिवार के अलग अलग सदस्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। देश का सही ढंग से संचालन करने के लिए भी संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है, जिसमें देश का सही संचालन करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, जिसमें सरकार का गठन जनता द्वारा किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई बच्चों, कि यहाँ ऊपर क्या समझाया गया है आपको? यहाँ पर ये समझाया गया है कि जिस तरह से एक स्कूल चलाने के लिए सभी अपने पद पर कार्य, अलग अलग पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से निभाते हैं, जैसे क्लास में मॉनिटर बनाया जाता है, क्लास का इंचार्ज होता है, पूरे स्कूल को चलाने के लिए उसका मुखिया होता है, इसी तरह हमारे जब हम अपने घर को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, तो इसके लिए भी सभी अलग अलग सदस्यों की सबकी जिम्मेदारी होती है, वो अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं तो परिवार ठीक ढंग से चलता है। और यहाँ ये बताया गया, इसी तरह से देश को चलाने के लिए, देश का संचालन करने के लिए भी संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है, और ये सारी जिम्मेदारी सरकार को दी गई है कि देश को अच्छे से चलाएं, और वो सरकार जो है देश को अच्छे से चलाती है, और सरकार को चुनता कौन है, ये लोकतंत्र भारत में जो है लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, और सरकार जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। अब यहाँ पर ये कार्यपत्रक 1 है, और इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दो। तो छोटे छोटे यहाँ पर उत्तर देने हैं हमें इनके। पहला क्वेश्चन जो है इसने पूछा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के सरकार का गठन किस प्रकार होता है, लोकतंत्र में आएगा यहाँ पर सरकार का गठन किस प्रकार होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि लोकतंत्र में सरकार का गठन चुनाव के द्वारा होता है, जिसमें सभी वयस्क व्यक्ति अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा में भेजते हैं, जो सरकार का निर्माण करते हैं। अब इसी तरह यहाँ सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि भारत में सरकार की शक्ति का स्रोत निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है संविधान, दूसरा है विभाजन और संरक्षण, और तीसरा है निर्वाचन प्रक्रिया। अब इसी तरह आगे ग क्वेश्चन में पूछा है कि कानून का निर्माण कौन करता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि कानून का निर्माण जनता द्वारा चुने गए सदस्यों की संसद करती है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। अब आगे जाता है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर आएगा 8। 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। पहले 9 थे, अब जो हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये सभी बच्चे जो हैं याद भी कर लें इस क्वेश्चन को, केंद्र शासित प्रदेश। और यहाँ आगे है कि भारत में कुल कितने राज्य क्षेत्र हैं। तो इसमें आएगा 28 राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, 28 राज्य क्षेत्र। अब आगे है कि भारत में सरकार के कितने स्तर हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आएगा 3 स्तर हैं, भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। पहला है केंद्र सरकार,
केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय स्तर। ये तीन जो है वो स्तर हैं, ये देखिए। ठीक है, अब इसी तरह से कार्यपत्रक दो आ जाता है और इसमें है कि आपके क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों के नाम व उनके प्रमुख कार्य बताओ। तो इसमें कार्यालय या विभाग यानी कि डिपार्टमेंट का नाम लिखना है और यहाँ पर उनके कार्य ये अपने क्षेत्र में स्थित देने हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे हरियाणा में स्थित कुछ सरकारी कार्यालयों के नाम, जैसे कि यहाँ पहला है हरियाणा विधानसभा सचिवालय और इसका कार्य है विधानसभा के कार्यों का आवंटन व विधानसभा की सभाओं का प्रबंधन करना। दूसरा है हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसमें आ जाएगा सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करना व योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। तीसरा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसमें इनका कार्य है हरियाणा में ग्रुप सी और डी के लिए परीक्षा आयोजित करना व योग्य उम्मीदवारों का चयन करना। तो इनमें ये आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर आ जाता है ये पार्ट चार, और ये पार्ट चार हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।